हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं बैंगलोर टू हैदराबाद सोलो मेरी एक्सयूवी के अंदर। ये डिस्टेंस टोटल है 550 किलोमीटर जो हम कवर करेंगे तकरीबन 8 घंटे में। मैं बहुत लेट निकला हूँ एक्चुअली। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:30 और एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल है मान के चलिए शाम को 8 बजे बता रहा है गूगल। बट देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं, कैसा होने वाला है सफर। मैं सोलो बहुत कम करता हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई गाड़ी में रहता है हमेशा। इस बार कम्प्लीटली कोई नहीं है, अकेले हैं एकदम। बोढ़िया बिस्तर लेके निकले हैं, कुछ दिनों का टूर है वहाँ का, तो करते हैं इंजॉय करते हैं, आपको थोड़ा बहुत रास्ता वास्ता दिखाते हैं। अभी तो फिलहाल हम पहुँचे हैं इस एरिया के पास जिसका नाम है नंदी हिल्स देवन अली, और यहाँ से हम आगे अपने लिए अपनी जर्नी पर बढ़ रहे हैं। देखिए कैसा जाता है सब कुछ, हाउ डज इट गो। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये एक नया हाईवे बना है जो बेसिकली टुमकुर से होसकोटे को कनेक्ट करता है। काफ़ी बढ़िया शॉर्टकट है, हम इसको लेना प्रेफर करते हैं जब हम गोवा शोवा जाते हैं, तब जूम आउट जूम इन होते रहता है। ऐसा मैंने सुना है कि जब आईफोन 16 लॉन्च हो जाता है तो बाकी आईफोन्स जवाब देने लगते हैं, जैसे अभी ये फोकस कहीं और कर रहा है बार बार। और हम देखते ही देखते कवर कर चुके हैं करीबन 90 किलोमीटर। लेपाक्षी टाउन आता है जो बॉर्डर टाउन है हमारे बैंगलोर सॉरी कर्नाटका और आंध्रा के बीच में, तो हम अभी वहाँ आंध्रा में घुस चुके हैं और अब यहाँ से हम आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और 100-150 किलोमीटर में किया फैक्ट्री और अनंतपुर आएगा, दैट इज द मार्क ऑफ हाफ द डिस्टेंस टू हैदराबाद, और उसके बाद फिर हम बाकी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। बढ़िया से हमने चाय नाश्ता पोहा करके निकले थे घर से और अब भूख नहीं लग रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। थोड़ी प्यास लग रही है, जनरली गाड़ी में जब अकेले रहो तो ये सब करने में थोड़ी दिक्कत होती है, अदरवाइज कोई साथ में रहता है तो उसको ये सब ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। गाड़ी ड्राइवर का ये सबसे बड़ा फायदा है, पॉइंट टू बी नोटेड। एंड अभी खाने पीने का सामान थोड़ा सा गाड़ी में है और अब टाइम हमने थोड़ा काट लिया है, अब हम 7-8 बजे की जगह 7:30 बजे पहुँचेंगे। एवरेज स्पीड है 80 से 120 के बीच में रख रहे हैं गाड़ी की स्पीड को। ट्रैफिक बहुत कम है क्योंकि वीकडे है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आगे भी मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले। जनरली अनंतपुर के बाद थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पे हाईवे का थोड़ा काम चल रहा है। यहाँ पर चिकबल्लापुर के पास एक पैच है जो ख़राब है, उसके बाद तो रोड मोटा मोटी ठीक है। ट्रैफिक होने से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ट्रैफिक नहीं होने से टाइम थोड़ा सा कंट्रोल्ड रहता है। यहाँ पर भी एक डाइवर्जन है और साइड में एक रोड बन रही है, अब हम रॉन्ग साइड यहाँ से टर्न करेंगे और आई थिंक क्या बना रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, बट आई थिंक कुछ ब्रिज का काम कर रहे हैं, नई रोड बना रहे हैं, दैट कुड बी द केस। अब हम इस साइड आ गए हैं और ये गाड़ियाँ क्रेन व्रेन सब यहाँ पे रखी हुई हैं और यहाँ बड़ा सा खड्डा भी खोद दिया लोगों ने। पेट्रोल पंप को तो बहुत तगड़ा लॉस हो रहा होगा, बेचारे खोले थे कि हम हाईवे पे रहेंगे बट हाईवे इन्होंने काट दिया है, लेफ्ट राइट से निकालेंगे शायद से अब। तो ये अपडेट है अराउंड, मैं रहता हूँ एयरपोर्ट रोड के पास, तो एयरपोर्ट रोड से अबाउट 90 किलोमीटर पर डाइवर्जन इन्होंने नया बनाया है। और हम लोग पहुँच गए हैं किया की फैक्ट्री जो तकरीबन 150 किलोमीटर पड़ता है बैंगलोर से, 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम बैंगलोर। बहुत ही बड़ा और शानदार सेटअप है इन लोगों का, यहाँ पर देख के दिल खुश रहता है ऐसे लार्जर प्लांट्स को। काफ़ी सारा वर्कफोर्स और काम करता है यहाँ पे। ये आ गया इनका नया लोगो का ब्रांडिंग, और यहाँ पर आप देखें सारा लोडिंग बे है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कंटेनर्स खड़े रहते हैं, गाड़ियाँ यहीं से लोड होके पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरा आप देखो भरा हुआ है, ए टू जेड सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हैं सामान ले जाने के लिए। हमने कवर कर लिया है तकरीबन 133 किलोमीटर, 113 किलोमीटर टू गो, टाइम इज 7:26 और बोल रहा है कि 7:20 में हम पहुँच जाएंगे, देखा जाएगा कितना टाइम लगता है पहुँचने के लिए। अपडेट ये है गाइस कि हम टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर किया है तकरीबन 300 किलोमीटर कर लिया है, 289 किलोमीटर और हमको करना है
जिसमें कि अभी हम करनूल से कुछ 80 किलोमीटर शॉर्ट हैं, करनूल पहुंचेंगे थोड़ी देर में। अनंतपुर हमने पार कर लिया है, धोने करके कोई जगह आती है, DHONE धोए, धोने कुछ ऐसा ही नाम है, वो अभी यहाँ से कुछ 20-30 किलोमीटर है, तो वहाँ हम अभी पहुंचेंगे। और एस्टिमेटेड टाइम हमारा हैदराबाद पहुंचने का है तकरीबन 6:50 जैसा मान लीजिए। अब इस रोड के ऊपर इम्प्रूवमेंट हुआ है, थोड़े से कैफे वैफे खुलने लगे हैं और लोग यहाँ पे सीताफल बेच रहे हैं। इस एरिया में जंगल साइड में सीताफल उगता है, तो मैंने हमेशा देखा है यहाँ पे बिकते हुए। और ये गाड़ी या तो ओवरलोडेड है या टूटी हुई ट्रक है, पूरी बॉडी इसकी बेंट है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है भाई। ऐसी गाड़ियों को परमिशन कैसे देते हैं, बहुत रिस्की है। और आप ये देखिए सारे लोग रोड के ऊपर खड़े होके सीताफल बेच रहे हैं, अगर आप यहाँ रुकोगे तो आपको ये मिलेगा आइटम। मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं करता हूँ, रिचा का ये बहुत ही फेवरेट फ्रूट है, आई पर्सनली डोंट एन्जॉय। और हम पहुँच गए हैं करनूल सिटी। अब हमारा डिस्टेंस यहाँ से रह गया है 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर में हम पहुँच जाएंगे हैदराबाद, जहाँ हम रुकने वाले हैं वहाँ पर। और टाइम हमें लगेगा और तकरीबन 3.5 घंटे, जिसके हिसाब से हम 6:30 हैदराबाद इन कर जाएंगे। हमें अभी टाइम हुआ है 3, तो करनूल की सिटी एक बार क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद फिर हम लोग रुक के कहीं पे खाना खाते हैं, जो हमारी मोहतरमा ने हमें पैक करके दिया है। लेट्स गो एंड शो इट टू यू कि हमें खाने में क्या मिला है। रुक गए एक छोटे से ब्रेक के लिए, 300 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला ली है, 320 किलोमीटर जैसा, थोड़ा सा और डिस्टेंस बचा है, 180 किलोमीटर और करना है। अभी यहाँ पे एक ब्रेक लेके थोड़ा सा खाना खाते हैं, फ्रेश फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि 6:30 से 7 के बीच में मैं पहुँच जाऊँगा, एंड देन आई विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू रिलैक्स एंड देन गेट ऑन द डे टुमारो। ये मेरा खाना है, ये गुजिया है, ये कुछ मिठाइयाँ हैं, ये ठेकुआ है और ये है गोभी के पराठे। ये मैं खाता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्विक अपडेट गाइस, खाना खा के हम वहाँ से निकल गए हैं और निकल के हमको आधा घंटा जैसा हो गया है। टाइम बज रहे हैं 4:00 और हम अभी भी हैं 132 किलोमीटर दूर अपनी डेस्टिनेशन से, जहाँ पर हम तकरीबन 6 से 6:30 के बीच में पहुँच जाएंगे। बाहर का वेदर बहुत ही शानदार, बारिश का कोई नामो निशान नहीं। बीच में मैं डरा हुआ था कि बारिश होगी खूब तगड़ी, ऐसे न्यूज़ भी अपन ने देखे थे, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी बाढ़ जैसा सिचुएशन हो गया था। ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है सब जगह, और हम गाड़ी के अंदर कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, अपना खाना वाना खा के आराम से जा रहे हैं। एक्सयूवी की ये खास बात है कि थकावट फील नहीं होती भाई। मेरी गाड़ी कुछ 90,000 किलोमीटर चली हुई है और बिल्कुल भी रोड नॉइज़ के अलावा और कोई नॉइज़ नहीं है कहीं से। टच वुड, कीप कंटिन्यूइंग डूइंग द गुड वर्क। ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कुछ स्टेट्स में। ये देखो ये आ गए अंकल यहाँ पे, इन्होंने हाईवे के बीच में अभी तक गियर ही चेंज नहीं हो रहे इस आदमी के, ये लगा हुआ है बेवकूफ़ों की तरह गाड़ी चलाने में। गाड़ी चलानी आती नहीं है, आके बैठ जाते हैं यहाँ के अंदर, कहीं से भी घुस जाते हैं रोड में, जब मर्जी आए जैसे मर्जी आए। ट्रक वालों को भी ये हाल रहता है, लेकिन थोड़ा ये सुन लेते हैं, हॉर्न मारो तो समझ जाते हैं बात, यहाँ ठीक है भाई कार है जाने देते हैं टाइप्स। बाकी टू व्हीलर वाले तो ना सुनते हैं। और बहुत ही अल्ट्रा ग्रीन खेत दिख रहा है वहाँ पे तगड़े तरीके से। तुम यार रोड देखो, व्लॉग बनाने के चक्कर में कहीं मजे ना आ जाए तुमको जीवन के। ये देखिए शानदार क्लाउड प्ले, बहुत तगड़ा है, एक नंबर। ये 80-90 किलोमीटर पहले जो रोड खराब है ना, ये खराबी है, पता नहीं क्यों बन रहा है, क्योंकि ब्रिज बन रहा है। मैं जब से बैंगलोर से हैदराबाद कर रहा हूँ भाई रोड, तब से मैं इसको देख रहा हूँ कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब हार्डली कभी एक बार मुझे ऐसा दिखा होगा कि ये क्लियर था पूरा रास्ता, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है बंद। या वैसे एक आई थिंक 4-5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर ऐसे ही जाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये रोड अभी एक ही साइड उन्होंने दोनों बीच में बैरिकेशन करके डाल दिया है। दिस इज़ बीन देयर फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ ऑन दिस रोड। वी आर 87 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ आर डेस्टिनेशन एंड वी शुड रीच देयर बाई 6, और टोटल डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है 458 किलोमीटर। टाइम हो रहा है 4:40। अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 59 किलोमीटर टू कवर, जो हम करेंगे तकरीबन 1 घंटे में, डिपेंडिंग ऑन हाउ द ट्रैफिक इज यहाँ से लेकर हैदराबाद तक। और तकरीबन 6 जैसा हम पहुँच जाएंगे। चाहत है कि रास्ते में रुक के चाय पी जाए, क्योंकि चाय की हो रही है बेजोड़ तलब। तो देखिए कहीं अगर बढ़िया चाय की दुकान मिलती है
तो वहाँ रोका जाएगा और एक गुजिया और एक ठेकुआ बचा है उसको निपटाया जाएगा। और हम आ चुके हैं हैदराबाद के अंदर, हमारा डेस्टिनेशन है 8 किलोमीटर दूर, हमें लगेंगे और 10 मिनट। टाइम हो रहा है 5:50 और हम हैं फेमस 6 लेन वाले हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पे, जो आपको NH44, NH65, मुंबई, नागपुर इन सब एरिया से कनेक्ट कराती है। श्रीनगर भी जाती है रोड, जो है कि यहाँ से 2600 या 2500 किलोमीटर इन टोटल डिस्टेंस, जो हम प्लान कर रहे हैं अगले साल करने का। इतने सारे कॉल आ गए कि उस कॉल के चक्कर में अपन चाय पीना भूल ही गए। बढ़िया लाइट आ रही है गाड़ी के अंदर, बढ़िया सनसेट हो रहा है मेरे लेफ्ट में, और अभी हम 6 किलोमीटर हैं। मेरे को लग रहा है कि आउटर रिंग रोड पे ही बना दिया है अपार्टमेंट, जाके देखते हैं कहाँ बना है, कैसा है, आजू बाजू में चाय कॉफ़ी कुछ मिल जाए तो पी लेंगे। अपडेट ये है कि हम फाइनली हैदराबाद पहुँच गए और अपने ठिकाने पर आ गए हैं, बिस्तर पर पड़ गए हैं। 6 बजे हम पहुँच गए थे, बट किसी कारणवश हमें आधा एक घंटा वेट करना पड़ा, क्योंकि जो कंसर्न पर्सन था वो घर पे नहीं था, बाहर गया हुआ था। उसके आने के बाद हम अपने रूम पे आए और आराम से पसर के सो गए। उठे, खाना खाया, थोड़ी सी एडिटिंग करी, ईशा वाला व्लॉग अपडेट किया जो आप इस व्लॉग से पहले देखेंगे। अब ये व्लॉग एडिटिंग पे डालूंगा और इस वीकेंड को आप ये व्लॉग इन्जॉय करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। टाटा, बाय बाय, सी यू।